सर, सबसे पहले तो आपने जो बिफोर यू डाई मूवी बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। काफ़ी अवार्ड से लेकर ये मूवी आ रही है और रिलीज होने के कगार पर है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि हम अगला सवाल इससे करेंगे, किस तरह की स्टोरी आपके माइंड में थी और क्या विचार था जब ये मूवी बनाई और आज इतनी अवार्ड्स लेकर ये आप इसको रिलीज करने जा रहे हो, तो क्या मन में है, क्या कहेंगे? बिफोर यू डाई ये स्टोरी है मिस्टर प्रदीप चोपड़ा। मिस्टर प्रदीप चोपड़ा हमारा फिल्म में एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। मेरा लास्ट फिल्म था मुलायम सिंह यादव, मुलायम का बायोपिक मैंने बनाया था। आफ्टर मुलायम सिंह यादव कंप्लीट होने का बाद मिस्टर प्रदीप चोपड़ा मुझे बुलाया और मैं इससे ये स्टोरी का बारे में मुझे बताया। मैं इसका बारे में भी बताया बहुत बार इसका पहले भी कि मैं यशराज का एक लव्य हूँ। मैं डायरेक्टली तो कभी यशराज से मैंने शिक्षा तो नहीं लिया, मैंने उनका वर्कशॉप एंड एक शूटिंग में मैं उनका हिस्सा था और मैंने बहुत दिलो जान से उनसे शिक्षा लिया उनका फिल्म देखते हुए। तो ये एक दिल में था जब मैं कभी प्यार वाला पिक्चर बनाऊंगा, ये स्टोरी में मुझे वो नज़र आया। ये ऐसा एक स्टोरी है जहाँ पर एक लड़की का कैंसर होता है और ये लड़की 6 महीने के लिए है। ये स्टोरी में दिखाया गया है कैंसर जो डिजीज़ है ये हर कोई जानता है, मगर कैंसर डिजीज़ बहुत डिजीज़ है कैंसर का जो क्योरेबल नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं ये क्योरेबल नहीं हो सकता है। तो वो पेशेंट को फैमिली वालों कैसे ट्रीट करना चाहिए, फैमिली वालों क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा खर्चा करके उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर डॉक्टर बोलते हैं ये डोंट डू, ये जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे आप चाह रहे हो पेशेंट बच जाए मगर ये पेशेंट नहीं बचेंगे क्योंकि इसका कोई मेडिसिन दुनिया में तैयार नहीं हुआ। आप लोग जो कर रहे हो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए और ये जो कर रहे हो ये पेशेंट के ऊपर एक वन से टॉर्चर होता है। इसमें पेशेंट बचते नहीं है, मगर उसका अगर मोहलत 6 महीना होता तो 4 महीने में गुजर जाते हैं। तो आप एक काम करो, वो पेशेंट क्या चाहते हैं ऐसा कुछ करो कि 6 महीना उसको लगे कि बहुत जी लिया और कोई शंका ना हो और आप भी सेटिस्फाइड हो सकते हो। इसको पर बेस है मुनीत जी, आपने इस रोल को निभाया है और बिफोर यू डाई में जो आपका प्यार भरा किरदार है, लाखों लोगों ने इस दो सालों में अपने अपनों को खोया है, जिनके अपने सपने भी थे वो सपने टूट गए, तो क्या कहेंगे जब ये किरदार आप निभा रहे हैं तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके सपने अधूरे रह गए लेकिन आज फिर से एक नए कगार पे लोग जीने की राह और इंडिया पूरा आगे बढ़ रहा है। सर पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हमारे लिए टाइम निकाला। और सर जिस टाइम ये मैंने स्टोरी सुनी थी तो मेरे को जिस तरीके सर ने पोर्ट्रेट की थी स्टोरी और जिस तरह से मेरे को पता लगा था कि यार ये इन सीन्स के बाद सिचुएशन चेंज होगी, और जब मैं ऑन फील्ड था इस काम को करते हुए तो एक्चुअल में पहले मैं अपने लाइफ को लेकर अपने करियर को लेकर बहुत बिजी रहता था और मुंबई शहर एक नया डिसिप्लिन सिखाई देता है। तो मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ पहली बार, और यहाँ से जब अपनी फैमिली से दूर हुआ तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाता था। बेशक टचवुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में, लेकिन आज की डेट में मैंने काफ़ी अपने जैसे यूथ को देखा है कि अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते या जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप इस मूवी को देखेंगे या जब भी कोई नया यूथ इस मूवी को देखेगा उसे एक चीज़ की सीख ज़रूर मिलेगी कि वो जिसके जितना क्लोज है ना उसे उतना टाइम दे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या होने वाला है। दिल बेचारा उसमें भी कुछ ऐसा ही टॉपिक था, तो क्या लगता है आपको कि लोग उससे कनेक्ट करेंगे इस मूवी को? नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे तो प्यार करने वाला तो हर मूवी का साथ मूवी का कनेक्ट होता है। हमारा रिश्ते में अगर मैं बीवी से जो प्यार करता हूँ बोले तो फिल्म में डायलॉग मत करो, ये भी होता है, मगर नहीं वो अपने अपने अंदाज है। इस मूवी में टोटली अलग है, अलग करके उसको पोर्ट्रेट किया गया है। आप थोड़ा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिफोर यू डाई जिस तरह का टाइटल है, मरने से पहले हम क्या क्या लम्हा जी सकते हैं, कितना प्यार गहराई में जा सकते हैं, आपसे रिश्ते किस तरीके से, एक कोरियोग्राफी किस तरीके से की गई है कि हम उन लम्हों किस तरीके जी सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ। सर अगर ये सवाल का अगर मैं उत्तर दे दूं प्रेज वालों को तो पिक्चर देखने का जरूरत ही नहीं होगा, यही चीज पिक्चर में दिखाया गया है। तो सर मैं चाहता हूँ, सर आप पिक्चर का प्रीमियर चल रहा है, थोड़ा वक्त आप देखिए पिक्चर, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। सर, इसका पोस्टर देखा था, तो जो मेन लीड प्रोटैगनिस्ट है मूवी का, कोई फीमेल कैरेक्टर है, राइट, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। काव्या कश्यप हरियाणवी का, वो राजस्थान का लड़की है, इसके पहले वो बहुत सारे नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज काम किए हैं, बंगाली में एक दो काम किए हैं, शी नोज बंगाली वेरी वेल, उनका कलकत्ता में भी है,
तो मैं जब ऑडिशन लिया था तो काव्या कश्यप भी आए थे ऑडिशन देने के लिए, पुनीत भी आए थे, तो मुझे मुझे एक ऐसा लड़की चाहिए था जो खूबसूरत नहीं है, जिसको हम नहीं कहते बहुत खूबसूरत, जिसमें इनोसेंट बहुत है। खूबसूरत और इनोसेंट में बहुत फर्क होता है। तो ये काव्या कश्यप में मुझे वो इनोसेंस ही पता चला, क्योंकि मेरा जो पोर्ट्रेट है वो दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग का मैंने हिल स्टेशन में आप देखो कि हिल स्टेशन लड़का लड़की का जो फेस वैल्यू है वो और दूसरा शहरों से बहुत इनोसेंस लगता है, एक फ्रेशनेस लगता है। तो इसीलिए मैंने काव्या कश्यप। दूसरा सवाल सर, ये दो द स्काई इज पिंक करके एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, जिसमें उनकी बेटी को कैंसर होता है, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, कुछ इंस्पायरिंग मतलब आपसे इंस्पायर्ड आप उससे हुए कहानी से आपकी कुछ अलग? नहीं, ये इंस्पायर, ये रियल स्टोरी है। ये हमारा जो प्रदीप चोपड़ा सर है जो स्टोरी लिखा है, जो यहाँ इस पिक्चर में एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, उनका मम्मी का साथ ये हुआ था। उनको जब मम्मी का कैंसर हुआ था, जब वो लेके गए थे एवं डॉक्टर चन्नी ने उनको कहा था कि आप मिस्टर चोपड़ा अगर चाहते तो बहुत सारे पैसा खर्चा कर सकते थे। शी इज़ अ स्टेबल पर्सन। वो कलकत्ता में वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा बिल्डर, पी एस ग्रुप का ओनर है, पी एस ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर है, सबसे बिग बिल्डर। वो चाहते तो खर्चा कर सकते थे, मगर जब उनको लेके जब बॉम्बे में डॉक्टर चन्नी ने उनको कहा कि डोंट डू मिस्टर चोपड़ा, आप पैसा मत खर्चा करिए, मुझे पता है, मगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो जो दौर था वो दौर को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उस हिसाब से ये पिक्चर को हमने पोर्ट्रेट किया। मूवी शूट कहाँ पर हुई? ये दार्जिलिंग में हुआ, लामाहाटा। दार्जिलिंग में लामाहाटा बोल के एक जगह है, वो दार्जिलिंग लामाहाटा की है, कालिम्पोंग की, वेस्ट बंगाल में की, टोटली वेस्ट बंगाल। 34 डेज शूट किया हम लोग, 4.5 महीना काम किया। कोविड के टाइम पे किया? कोविड के टाइम पे ही किया। नो, एक्चुअली मुझे सब परमिशन था, नंबर वन प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन करते हैं, घर में भी उतना प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होता है, जितना कर सकते तो बोलने वाले तो बोल देते हैं। पुनीत, आपका और काव्या का कोई जब ये कैंसर वाले की जो स्टोरी जहाँ पर आती है, कोई आपके बीच की, आप दोनों के बीच की कोई बातचीत, कोई अच्छा पल जो आपको याद हो और शेयर करना चाहें मीडिया से? सर, हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ यही हुई थी कि पहली बात तो ये मेरे लिए डेब्यू फिल्म है, और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे काम किए, लेकिन काफ़ी प्रेशर में भी हो गया। तो जब मेरे को एज अ लीड मूवी ऑफर हुई तो मेरे को हमेशा ना, मैंने जैसे टेलीविजन में काम किया तो हमें मेकअप के टाइम पर स्क्रिप्ट मिल जाती थी, जो फाइनल ड्राफ्ट रहता है हमारा कि हाँ भाई ये प्रिपेयर करो, इस पर काम करना है, दैट्स इट। अब हमारे डायरेक्टर सर क्या कहते थे, हमारी प्रिपरेशन कुछ और होती थी, और फ्लोर पर जाकर सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम हमारे साथ इतना, हमने जिन चीज़ों का सामना किया ना, वहाँ इतना तूफान आया है, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, सिचुएशन ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर अगर चेंज हो गई, तो उस दौरान में हमने जो सीन लिखे हुए भी नहीं थे ना, हमने एट ए टाइम बनाए हैं, उसके मोनोलॉग्स तैयार हुए हैं, और जब उन्हें प्रिपेयर करके एट ए टाइम करना पड़ता था ना, तो वो हमारे लिए बहुत फनी होता था, क्योंकि वो मेरे से बोलती थी, मैं उसको बोलता था यार काउंटर अगर बराबर नहीं दिया ना तो दोनों को गाली पड़ने वाली है। तो उस टाइम को लेके हम थोड़ा परेशान भी थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदत में आ गया हमारे। धीरे धीरे फैन फॉलोइंग जो बढ़ रही है, कुछ फैंस के कोई सवाल आपको जो सर, आते हैं जाकर? अभी सच बताऊं तो मैं अभी अपना फ़ोन भी ढंग से चेक नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं कल सुबह 4 बजे वापस से निकल जाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं सिक्किम, दार्जिलिंग और आपका क्या नाम है लामाहाटा, जहाँ जहाँ हमारा प्रीमियर सेट हुआ है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। शूटिंग के दौरान सबसे बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा रहा कि जिसको आप कहेंगे कि हाँ मुझे ये सीन हमेशा याद रहेगा? मेरा शूटिंग का सबसे अच्छा सीन रहा है, जो मेरे लिए आइकॉनिक बन गया, हमारी मूवी का जो स्टार्टिंग का सीन आएगा वो, और पिक्चर का सबसे लास्ट का सीन। एक गाने की दो लाइनें जो आप गुनगुनाते रहते हो आज हमारे सामने, हम तेरे हो गए, थोड़ा लाउडली। सर, मैं सिंगर नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बस थोड़ा कैमरे पर गाना बुलवा लो मेरे से। आप गुनगुनाते तो चलो, मैं मेरी मूवी का एक लाइन है वो मैं बोलता हूँ, तो दूर रहकर भी पास है, आखिर ये कैसा एहसास है, कुछ कहना चाहूँ भी तो अगर लब खामा खा घबरा जाए, फिर भी तुझे पाने की एक आस है, तो दूर रहकर भी पास है, आखिर ये कैसा एहसास है।